सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो खत्म हो गए चले चले। हम आपको ये कह दिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बात खत्म हो गया, ऐसा तेजस्वी यादव को कहते हुए आपने अभी सुना। और ऐसा इस बात पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कल रात से ही जब उनके चहेते छात्र राजद के अध्यक्ष आकाश यादव को उनके पद से हटाया गया है, तब से तेज प्रताप यादव लगातार बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह अपनी पार्टी में मनमानी कर रहे हैं। जगदानंद सिंह को यह पता नहीं है कि जो कुर्सी पर बैठता है वो एक दिन कुर्सी से हटता है। और इन सब के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने आज अभी पत्रकारों से बातचीत की और वो बार बार एक बात कह रहे थे और वो ये कि हम और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से तेजस्वी यादव का तात्पर्य माननीय लालू प्रसाद यादव से था। अब आप ये सोचिए कि लालू यादव का हस्तक्षेप तेजस्वी यादव खुद चाहते हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव उनसे नहीं संभल रहे हैं। 10 दिनों के बाद जब जगदानंद सिंह को कल तेजस्वी यादव ने मना लिया और उसके बाद घर पर पहले मीटिंग हुई, फिर जगदानंद सिंह पार्टी के कार्यालय पहुंचे और उसके बाद जो पहला डिसीजन लिया गया था वो ये था कि छात्र राजद के प्रदेश के अध्यक्ष जो आकाश यादव हैं उनको हटा दिया गया और उसके बाद बनाया गया गगन यादव को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको जगदानंद सिंह ने खुद ही अपने हाथ से पत्र दिया। और इसके बाद से लगातार तेज प्रताप यादव टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल की रिपोर्ट यह है कि तेजस्वी यादव ऑन कैमरा इस बात को मान रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यह कि तेजस्वी यादव ऑन रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक नहीं है तभी ठीक होगा। आप सुनिए कि तेजस्वी यादव पत्रकारों को क्या कह रहे हैं। तेज प्रताप जी नाराज लग रहे हैं। सबकी अलग अलग राय है, ठीक है। आप लोगों का सवाल जो है उससे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सब कुछ हम है तो ठीक कर लें, चिंता का है ना आप लोग कर रहे हैं इतना, जब हम चिंतित ही नहीं है, जब हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगातार ये बात को कहते रहना कि हम हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि तेजस्वी यादव से तेज प्रताप यादव नहीं संभल रहे हैं। तेज प्रताप यादव लगातार इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं कि जो जगदानंद सिंह हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहां तक कि उनके एक ऑडियो में जो एक न्यूज चैनल से वो बात कर रहे थे, उन्होंने ये कह दिया कि जो विरोधी हैं वो जगदानंद सिंह की हत्या भी कर सकते हैं। और इन सब बातों को लेकर फिलहाल बिहार की सियासत इस बात पर टिकी हुई है कि तेज प्रताप यादव कब अपना मोर्चा जो खोले हुए हैं वो बंद करेंगे। लगातार लालू यादव के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि पूरे देश की राजनीति को एक वक्त जो आदमी मैनेज करता था, आज वो अपने बेटों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जगदानंद सिंह के साथ जब तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई और उसके बाद अगर आकाश यादव को छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाता है, इसका मतलब यह कि जगदानंद सिंह जो तेजस्वी यादव से बातचीत करके आ चुके हैं, तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह के इस बात पर हामी भरी होगी तभी जगदानंद सिंह ने हटाया, क्योंकि 10 दिन से तो वो कार्यालय आए नहीं थे। तो जो बातचीत हुई उसी का विरोध अगर तेज प्रताप यादव कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव का विरोध तेज प्रताप यादव खुद कर रहे हैं। क्योंकि जगदानंद सिंह के गगन यादव के छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद तेजस्वी यादव ने यह कहा कि कोई भी डिसीजन जगदानंद सिंह ले सकते हैं क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है। और इसी डिसीजन के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि आखिर राजद के संविधान का उल्लंघन ये लोग क्यों कर रहे हैं।